आज तक टीवी लाइव, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के। विचार गोष्ठी युवा ब्राह्मण गौतम समाज के द्वारा पूर्व युवा प्रदेश मंत्री भाजपा प्रभारी शेरगढ़ मंडल भाजपा पंडित कृष्णकांत गौतम जी के सम्मान में आज दिनांक 26/12/2021 को गौतम ब्राह्मण समाज के द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन जन्मभूमि लिंक रोड गोविंद नगर मथुरा स्थित एक स्थानीय होटल में किया गया। इसमें आज गौतम समाज के द्वारा पंडित कृष्णकांत गौतम जी को माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया एवं श्री कृष्ण की छवि देकर उनको सम्मानित किया गया। युवा ब्राह्मण गौतम समाज की विचार गोष्ठी में राज गौतम जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ भाजपा के सम्मान में खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। गौतम ब्राह्मण समाज की आज की इस विचार गोष्ठी में महिला मोर्चा महामंत्री प्रियंका उपाध्याय, भाजपा मेरुकांत पांडे, किसान मोर्चा जिला महामंत्री भाजपा संजीव गौतम, राज गौतम, सुनील गौतम, मनोज गौतम, राहुल गौतम, तनुज गौतम, अमित गौतम, दीपक लवानिया, नितेश ठाकुर, विकास चौधरी आदि मौजूद रहे। मथुरा से हमारे संवाददाता राम प्रकाश गौतम की खास रिपोर्ट। सभी अपने मित्र जो भाई हैं यहाँ पे आए हैं, एकत्रित हुए आज एक इस मिशन के लिए, हमारे कृष्णकांत भैया के सपोर्ट के लिए, बिकॉज जो अभी एक समाज सेवा कर रहे हैं और एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं और एक कुछ समाज के लिए अच्छे कार्य करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए दो शब्द कहना चाहूँगा। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा क्योंकि हम लोग उस पार्टी के सपोर्ट में हैं, उस पार्टी के लिए काम करना चाह रहे हैं, उस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस पार्टी ने इस गरीब तबके के लिए, किसान के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, सबके लिए वो पार्टी काम कर रही है, जिसमें कोई परिवारवाद नहीं है, कोई राजनीतिक नहीं है। क्योंकि मुझे आज भी बात याद है जब भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले 1980 में जब माननीय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अधिवेशन किया था, तो उन्होंने चैलेंज दिया था, चुनौती दी थी सभी राजनेताओं को, सभी राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से इस चीज़ को उन्होंने प्रोपेगेंडा अपना क्लियर किया था कि हम जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेंगे। और जो जनता का विश्वास खोया है, जो पिछली सरकारों ने, जो तत्कालीन सरकारें जब उस समय चल रही थी, हम उसको जनता में दोबारा से इस कोशिश को भरेंगे, जनता में विश्वास लेके आएंगे और जो पद प्रतिष्ठा के लिए जितने भी लोग काम कर रहे हैं हम उनको एक्साइट करेंगे। और लास्ट में उन्होंने एक बात और कही थी अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के 1980 में, जो मैंने कहीं पढ़ा था कि हिंद महासागर के मेघाती हिंद महासागर के घाट से मैं ये ऐलान करता हूँ, क्या ऐलान करता हूँ कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो इसी चीज के साथ मैं अपने भाई को शुभकामनाएं देता हूँ, मैं दुआएं करता हूँ और हम सभी लोग ये करते हैं कि समाज के लिए और अपने कृष्णकांत भैया के सपोर्ट करें। क्योंकि एक और मैं पोयम कविता अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा इस कविता के साथ। वृक्ष हो भले बड़े, हो घने हो बड़े, तू कभी लटक मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और इस सम्मान समारोह में हमारा ये एक मिलन समारोह है, इसका कोई राजनीतिक आकलन न किया जाए, बस ये हमारा कि ताकि हम लोग दूसरे को जान सकें क्या मानसिकता है, क्योंकि ये देश जो है वो युवाओं का देश है। और मैं तो ये कहता हूँ जो सबसे द सुप्रीम लॉर्ड भगवान जो कृष्ण थे, उन्होंने भी बार बार ये कही है, जब युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने शस्त्र डाल दिए थे तो कृष्ण भगवान ने उससे बोला था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम सज्जाम्यम परित्राणाय साधु विनाशाय च दृष्टकर्तां संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब साधुओं पे गरीबों पे अन्याय होगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। तो हम यही करते हैं, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे कार्यकर्ता भाई माननीय के गौतम जी इस मिशन के लिए आगे बढ़ चुके हैं, तो हमारा पूरा सपोर्ट है, हम सभी यही चाहते हैं। मेरा नाम कृष्णकांत गौतम है, मैं पूर्वी भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश मंडल रहा हूँ और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी मंडल प्रभारी हूँ शेरगढ़। अभी ये जो विचार गोष्ठी रखी है आपने, ये किस पर्पज से और किस उद्देश्य से आपने रखी हुई है? देखिए, हम लोग समाज में रह रहे हैं तो सामाजिक जीवन में भी भाइयों से मिलते रहना चाहिए, तो ये सभी नौजवान का अपने मूल्य नया कार्यक्रम था, कोई विशिष्ट ऐसा कार्यक्रम नहीं था। मेरा नाम कृष्णकांत गौतम है, मैं पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री रहा हूँ और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रभारी हूँ शेरगढ़। अभी ये जो विचार गोष्ठी रखी है आपने, ये किस पर्पज से और किस उद्देश्य से आपने रखी हुई है? देखिए, हम लोग समाज में रह रहे हैं तो सामाजिक जीवन में भी भाइयों से मिलते रहना चाहिए, तो ये सभी नौजवान का अपने मूल्य नया कार्यक्रम था, कोई विशिष्ट ऐसा कार्यक्रम नहीं था। हमने सुनाया आपने।